इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ की, जो कि वैसा ही है जैसे कि हमने पार्ट नंबर फोर किया है। ए की वैल्यू यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक है। बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है क्योंकि दी नहीं रखी। सी की वैल्यू जो है वो है आपकी माइनस के 15। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर में जीरो है, और टी स्क्वायर ये माइनस का इधर आ गया तो हमने ले लिया इसको, इधर 15 प्लस का हो गया। अब हम वर्गमूल वर्ग हटाएंगे, यहाँ पे लगेगा वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब है एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे टी की जो वैल्यू है वो एक प्लस का होता है, और एक टी की वैल्यू जो है वो माइनस के 15। कहने का मतलब है अल्फा की वैल्यू हमने ले ली प्लस के 15, और बीटा की वैल्यू ले ली माइनस के वर्गमूल 15। अब हमें जांच करनी है, और जांच में सबसे पहले हम लेते हैं शून्यंकों का योग। क्या बोलते हैं ये बार बार फॉर्मूला लिखवाने का मतलब है कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अल्फा आपका है वर्गमूल 15 प्लस में माइनस के वर्गमूल 15 बराबर माइनस बी की वैल्यू 0 और एक की वैल्यू 1। तो वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0, और 0 इसका भी आंसर। इसके बाद हम लेते हैं शून्यंकों का गुणनफल, वो होता आपका अल्फा बीटा जिसको बोलते सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू वर्गमूल 15 मल्टीप्लाई माइनस वर्गमूल 15 इक्वल सी की वैल्यू माइनस 15 और ए की वैल्यू 1। तो ये आ गया हमारा माइनस के 15, ये भी हमारा माइनस के 15।